सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। जैसा कि आप अभी देख सकते हो मेरे पीछे है मारुति सुजुकी ओमनी। तो भाई ये गाड़ी में रेगुलर चेकअप क्या क्या होते हैं और गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और ऑयल फिल्टर, कूलेंट, ये सब क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें कैसे चेक करते हो वो भी मैं आपको ये वाले वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं ये है ड्राइवर वाली साइड और ये है बिना ड्राइवर वाली साइड। तो भाई अपन सबसे पहले भी चेक करेंगे गाड़ी का कूलेंट लेवल और इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये गाड़ी का जो सीट है ये निकालेंगे सबसे पहले। भाई ये लोग अपन ने ये सीट निकाल लिया है गाड़ी का। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो हमने ये गाड़ी का ये वाला सीट निकाल दिया है। अभी देखिए अंदर। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो ये है रेडिएटर और ये है रेडिएटर की कैप। भाई ये गर्म जब गाड़ी रहता है अपना तब इसको बिल्कुल मत खोलना। अगर मॉर्निंग में आप खोलना चाहते हो तो एक जब गाड़ी ठंडा होता है तब खोलना। अगर आपने गाड़ी चलाने के बाद इसको डायरेक्ट खोल दिया तो समझ। और ये जो है अपना ये है कूलेंट का जो एक्स्ट्रा रहता है मतलब इससे जो सप्लाई आता है। देखो ये पाइप, ये जो पाइप है ये सीधा रेडिएटर में जाता है और इसका जो लेवल रहता है अपने को ये रेगुलरली चेक करना पड़ता है ये गाड़ी का। अभी इसका दिख रहा है, मेरा वाला तो फुल है भाई, आपका वाला कैसा है कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको फुल करके रखो भाई। ये हो गया अपना कूलेंट लेवल, ठीक है। अभी अपन चेक करेंगे गाड़ी का इंजन ऑयल। तो भाई सबसे पहले आप देखो ये है गाड़ी का इंजन और ये देखो एक तार निकला है ये सीट के नीचे, आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ ये सीट का पोर्शन है, देखो ये स्क्वायर वाला, और इसके नीचे है देखो ये रॉड है छोटा सा, देखो ये वाला इलाके बताता हूँ भाई। इसको आपको निकालना है, ये थोड़ा सा गर्म हो गया है भाई, मेरी गाड़ी बहुत गर्म है। मैं कपड़ा देखता हूँ भाई, देखो ये मिल गया मेरे को कपड़ा भाई। इसको ऐसा पकड़ना है, ऐसा निकालना है और इसको सीधा बाहर पुल कर लेना है। बाहर पुल करेंगे भाई तो कुछ इस प्रकार आपको दिखने वाला है। तो भाई अभी जैसा कि आप अभी देख सकते हो मेरी गाड़ी में तो ऑयल है और भाई ऑयल लेवल कैसे चेक करते हो मैं आपको बताता हूँ। इस पे जो मार्किंग से भाई देखो, यहाँ तक अगर गाड़ी का ऑयल रहता है मतलब आपकी गाड़ी में ऑयल है, आपको ऑयल लेने की टेंशन नहीं है। अगर नहीं रहा समझ लो थोड़ा सा कम है तो आप टॉप अप कर सकते हो गाड़ी का ऑयल। तो गाइज अभी हमने क्या किया, हमने गाड़ी का कूलेंट चेक किया, इंजन ऑयल चेक किया, अभी अपन गाड़ी का चेक करेंगे ब्रेक ऑयल। तो सबसे पहले मैं ये वाला चेक लगा लेता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अभी आ जाओ भाई ड्राइवर साइड से। तो भाई अभी अपन चेक करने वाले हैं गाड़ी का ब्रेक ऑयल का लेवल कैसे चेक करते हैं। चलिए अंदर। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो मैं आया हूँ मारुति वैन के ड्राइविंग सीट पे और ये जो है देखो कप होल्डर, ग्लास होल्डर, वाइन होल्डर, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। आपको इसको जस्ट सिंपली पीछे पुल करना है, ऐसे झटके से करो या फिर थोड़ा पैर से करो। देखो मैं कुछ इस प्रकार पुल करूंगा तो ये निकल गया अपना। और इसके नीचे ये जो है देखो इस पर कुछ लिखा हुआ अभी, वार्निंग यूज ओनली डॉट ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम द सील्ड कंटेनर, क्लीन फिलर कैप बिफोर रिमूविंग, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपली ऐसा घुमाना है और इसको ऊपर करना है। देखो अभी मैं ऊपर करूंगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल नीचे गिरेगा, देखो एक धार लगा है नीचे। तो गाइज ये होता है अपना ब्रेक ऑयल का कंटेनर, इस पे लेवल दिखता है भाई। आप एक मिनट मेरे पास कैमरा देना। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो अपने गाड़ी में अंदर है ब्रेक ऑयल बहुत सारा। और भाई ब्रेक ऑयल ऐसी चीज है, आपके गाड़ी पे अगर कलर है और कलर पे अगर ब्रेक ऑयल पड़ गया तो आपकी गाड़ी का कलर खराब भी हो सकता है भाई। तो भाई देखो कुछ लेवल इस प्रकार होता है। देखो मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगा, देखो भरा हुआ है, खाली है, भर गया, खाली है,
अभी देखो वापस भरेगा, वापस खाली हो जाएगा, देखो वापस खाली हो गया। तो भाई ये कुछ इस प्रकार, देखो वाइट मार्किंग आता होगा इसमें, वहाँ तक अगर ऑयल है मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी इंडिकेटर वार्निंग देता है समझ लो, तो मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल की ज़रूरत है, ये भी एक फैक्टर होता है गाड़ी में। तो गाइज अभी अपन देखेंगे कि गाड़ी का एयर फिल्टर कैसे देखते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, कब साफ़ करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को ये जो ड्राइवर साइड है ये साइड का सीट निकाल लेना है गाड़ी का, तो चलिए सीट निकालते हैं गाड़ी का। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो मैंने सीट निकाल लिया है, अभी आ जाओ ये साइड पर, बता दो अभी क्या हो रहा। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो भाई इतना सारा वायरिंग है भाई, क्या क्या है भाई किसको पता है, मेरे को तो पता है, झूठ बोल रहा है, आपको पता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताओ। तो गाइस सबसे पहले आप अभी देखो इसमें होता है हमारा एयर फिल्टर, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये वाला जो डिब्बा है इसको निकालना पड़ेगा। तो भाई ये थोड़ा सा हार्ड, मतलब हार्ड तो नहीं बोलते आ सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली ये वाला वायर पुल करके हमें इसको निकाल देना है। भाई पकड़ो भाई, इसको मैं ऐसे पुल करता हूँ, इसको ऐसे निकालता हूँ, भाई ये निकल गया। तो क्या करेंगे, ये डिब्बे को हमें ऊपर निकालना है। भाई ये क्यों फंस गया अभी, देखो भाई ये वाला हमने निकाल लिया सिंपल। तो अभी क्या करेंगे हम, ये वाला जो इसके अंदर जो नट है भाई इस पे दिखाना है एकदम, भाई देखो ये वाला जो नट है इसको हम लूज करेंगे, इसको हम खोल लेंगे। भाई मेरा वाला एयर फिल्टर थोड़ा सा बचता था तो मैंने स्पंज लगाया उसको, देख के सरप्राइज मत हो जाना। देख मैंने इसको देखो भाई, ये देखो एयर फिल्टर इसके अंदर होता है एयर फिल्टर, देखो ये है अपने गाड़ी का एयर फिल्टर, इसको अपन निकालते हैं ऐसे बाहर। तो भाई देखो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो मैंने गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल दिया है, और आप देख सकते हो ये देखो थोड़ा सा काला काला पड़ चुका है, मतलब भाई ये क्लीनिंग की ज़रूरत है भाई ये वाले फिल्टर को। अगर भाई ये पूरा काला रहा तो समझ आपको चेंज ही करना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा लाइट सा काला है अभी देखो, फूक मार दो थोड़ी बहुत धूल काला कुछ जो भी होगा वो उड़ेगा इसमें से, उड़ रहा है क्या भाई, देखो उड़ रहा है। आपको ये क्लीन करते वक्त बस इसको हवा से ही क्लीन कर रहा है, जो प्रेशर होता है भाई कंप्रेसर वाला प्रेशर साइकिल की दुकान पे जो रहता है पंचर जोड़ने वाला, उसके जो ब्लो गन रहती है उससे आप साफ करके कर सकते हो इसको क्लीन। तो भाई ये हो गया अपना फिल्टर, अगर ये आपको क्लीन करना है भाई तो एयर से ही करना है, ऑयल पेट्रोल वाटर कुछ भी नहीं यूज़ करना है भाई, ये कपड़ा है कागज़ जैसा ख़राब हो जाएगा। तो भाई लगाते हैं अभी ये वाला, आपको इसके बारे में तो समझ गया, अभी देखते हैं गाड़ी का पिच क्या होगा। तो भाई लगाते हैं अभी इसको, अभी जैसा निकाला भाई वैसे ही तो लगाना ही पड़ेगा नहीं। तो सिंपल प्रोसीजर है भाई, पहले ये डाल दो अंदर सिंपल, इसको लगाने के लिए देखो ये मैंने डाल दिया अंदर ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो सिंपल कैप है अपने को ये कैप इस पे चढ़ा देना है सिंपली। तो देखो भाई हमने ये चढ़ा दिया इस पे, भाई क्या आ रहा है ये वाला वायर, देखो भाई ये हमने सिंपली इस पे चढ़ा दिया। अभी अभी क्या करेंगे, अभी ये जो है अपना ये बटरफ्लाई जैसा नट देखो ये वापस से कस देंगे, और हमने जो ये वाला डिब्बा निकाला था भाई इसको भी वापस से असेंबल कर देंगे। ये हो गया इसका वायर कौन सा था, ये वायर भी इस पर फिट कर देंगे। तो ठीक है गाइस अभी अपन चेक करेंगे गाड़ी का गियर ऑयल कैसे देखते हैं। तो गाइस अभी हम देखेंगे गाड़ी का गियर ऑयल क्या होता है भाई, बहुत सारे मैकेनिक लोग
नहीं पता है कि गाड़ी में गियर ऑयल भी होता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि गाड़ी में गियर ऑयल होता है। जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको पता है ताकि गाड़ी में गियर ऑयल भी होता है। जैसे कि ये साइड में आपको कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैंने मेरे आगे चार बॉटल रखी है। तो सबसे पहले आप अभी देख सकते हो, ये है गाड़ी का इंजन ऑयल, पेट्रोनास कंपनी का इंजन ऑयल है, जो कि अपनी मारुति वैन में लगभग 3.5 लीटर के आसपास आ जाता है। और जब अपन ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो भाई पूरा 3.5 लीटर नहीं निकलता है, 3 लीटर या फिर 3.25 लीटर समथिंग ऐसा कुछ निकलता है। और जब अपन इसको फिल करते हैं भाई, तो फिल करने के लिए तो बहुत झंझट रहता है भाई, वो आपको मैकेनिक ही करके देगा। घर पर अगर इक्विपमेंट्स रहे तो ही फिल हो सकता है। और ये जो बॉटल्स है भाई गियर ऑयल की है। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो, ये है गाड़ी का गियर ऑयल। तो भाई मारुति वैन में लगभग 2.5 लीटर तक गियर ऑयल आ जाता है। तो गियर ऑयल डालते कहाँ से भाई, ये तो मैं आपको अभी चेक करके नहीं बता सकता, लेकिन ये गियर ऑयल डालते कहाँ से वो आपको दिखाता हूँ। आ जाओ भाई इधर। तो भाई अभी आप देख सकते हो कि मारुति वैन रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव मतलब जो पीछे के चक्के होते हैं वो चक्कों से ही गाड़ी पावर लेता है। तो आप अभी देख सकते हो, बता दो भाई कैमरा मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ अभी। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो, ये है मारुति ओमनी का बैक साइड। तो अपन जाएंगे नीचे। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो, यहाँ पे पिनियन का सेट रहता है गाड़ी का। ये है पाटे और यहाँ पे है पिनियन का सेट। और ये जो आप स्क्वायर एलन की जैसा देख रहे हो भाई, ये खोलते हैं तो इसमें जो ये जो सेट है भाई, इसके लिए लगता है हमें ऑयल। तो यहाँ पे बैठता है टोटल 1.5 लीटर ऑयल, गियर ऑयल बोलते हैं उसको, 1.5 लीटर गियर ऑयल यहाँ पे लगता है। और जो गियर ऑयल है भाई 1 लीटर, वो कहाँ से डलता है मैं आपको बताता हूँ। ये है अपनी ओमनी का साइड, राइट साइड, और राइट साइड के नीचे देखो भाई, यहाँ पे होता है गाड़ी का इंजन। तो गाड़ी के इंजन में आपको जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक स्लॉट है, ये स्लॉट में आप गियर ऑयल डालना पड़ता है, और ये स्लॉट में लगभग 1 लीटर तक गियर ऑयल बैठ जाता है। तो भाई ये था अपने गाड़ी का गियर ऑयल। तो गाइज हमने ये वीडियो में कवर किया है कि गाड़ी का गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, एयर फिल्टर और कूलेंट, ये अपन ने 5 चीज़ें गाड़ी के कवर की है ये वाले वीडियो में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको क्लियर कर दूंगा। और भाई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। और भाई अपन मारुति वैन में अभी जाने वाले हैं, और मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ भाई, लेकिन आपको अगर व्लॉगिंग का वीडियो देखना है तो मेरे को बताओ कि भैया व्लॉगिंग में, तो व्लॉग भी कर लेंगे भैया अपन। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।